सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हमने उनसे इजहार करने का फैसला किया है। भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मोहल्ला ले लिया मैंने, अगली बार मैं तुमसे जुआ खाना भी ले लूंगा। अब मेरी बात सुनो, बैठो, खेलो, हारो और फिर चले जाओ। मुझे पेरिस में फराइज सौंप दीजिए। ठीक है तहसीन पाशा, लेकिन आप सफीर की हैसियत से नहीं जाएंगे, कोई दफ्तरी काम नहीं दिया जाएगा आपको। आप खुफिया सरगर्मियों में शामिल होकर तुर्क नौजवानों का ताकुब कर सकते हैं। आखिरकार हमने नौजवान तुर्कों की तहरीक के सहूलतकार को ढूंढ लिया। ये बहुत बड़ी गद्दारी है। ये मोहल्ला हमारा है, मरते दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। वो पाशा जिसकी तहरीर टेलीग्राम के मजामीन से ममासलत रखती है, यही वो पाशा है जो नौजवान तुर्कों के साथ रابطے में है। वो तहसीन पाशा है। लेकिन गमगीन ना हो पाशा, पेरिस भी अच्छा है, बहुत हसीन और देखने के लायक है यूरोप। दोस्ती भी महफूज रहेगी आपकी, और अगर हम गलत हुए तो मैं कसूरवार होऊंगा, नताइश को कबूल करूंगा मैं, और तहसीन पाशा के बजाय मुझे सजा दे दी जाएगी। ऐ खुदा, हमारे पाक खुदा, जो अपने मानने वालों पर, वफादार गुलामों पर और अपने चाहने वालों पर हकीकत जाहिर करता है। मैंने गुनाह किया है, माफ कर दे मुझे, तेरी रहमत के साए में रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अपने गुनाह के कफारे के लिए तैयार हूं मैं। कौन है? हम हैं शिवनास खातून। शिवनास खातून, आखिर ये सब क्या है? वो असल में मेरा पाँव फिसला और ये कांच टूट गया, इनको साफ करते हुए मैं जख्मी हो गई। मेहरबानी कीजिए, आप बैठ जाइए। आपने खुद साफ करने की कोशिश क्यों की? जुल्फत काल्फा, आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही?
ज्यादा नहीं, मैं ठीक हूँ, बेफिक्र हो जाए। आप किसी को बुला लेती? जी सुल्ताना। जुल्फत, शिवनाज खातून को शिफा खाने मुंतकिल करना है, तबीबा को खबर कर दीजिए फौरन, और ये कांच के टुकड़े साफ करवाइए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। हम यहाँ आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए थे। हम आपके मामों के लिए बहुत अफसरदा हैं। फातिहा खानी करवाएंगे। अल्लाह आपसे राजी हो सुल्ताना, आप बहुत अच्छी हैं। ये कांच के टुकड़े बहुत अजीब लग रहे हैं। ये सारे के सारे तरतीब में नजर आ रहे हैं। इन्हें साफ करते हुए अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये वाकई बहुत अजीब लग रहे हैं। आपके हुक्म का मुंतजर हूं। तहसीन पाशा महल से रुखसत होने वाले हैं। सबूत मौजूद है, कवायद बिल्कुल वाज़े हैं। अगर आप रहम करेंगे तो दुश्मन मजीद ताकतवर हो जाएगा। हमारा हुक्म यह है पाशा, आपको मुकम्मल इख्तियार है। हम इस मसले को आप पर छोड़ते हैं, जो बेहतर लगे कीजिए। आज रात थोड़ी तकलीफ रहेगी, आप चाहें तो दवाई दे सकती हूँ। जरूरत नहीं, बर्दाश्त कर लूंगी। जल्द सेहत याब हो आप। शिवनास खातून, मैं एक अहम मामले पर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं थकी हुई हूँ ज़ैनब, हम कल बात करेंगे। शिवनास खातून, अंदाजा है कि आप अपने मामू की वफात की वजह से अफसरदा हैं। जो कहना है जल्दी कहो मुझसे, वो भी वाज़े तौर पर। वाज़े तौर पर ही कहूंगी, लेकिन ये बात बताने से पहले आपको एहसास दिलाना जरूरी है। इंसान जब तक जिंदा हो तो उसे अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, है ना? मैं जब तक जिंदा हूं तब तक अपने प्यारों के साथ ही वक्त गुजारना चाहूंगी, यानी मेरी बहन और खलील खालिद ने शादी की पेशकश की है और मैंने उसे कबूल कर लिया। तो शादी कब है? तुमने खलील खालिद को बताया कि तुम हो कौन, और तुमने अपने महबूब को बताया कि तुम आई क्यों इस महल में? तुम रियासत के खिलाफ काम कर रही हो, ये जानने के बाद तुम्हारी तरफ देखेगा वो? शिवनास खातून, मैं अब मजीद आपके लिए और काम नहीं करना चाहती हूँ। बराहे करम मुझे और मेरी बहन को आजाद कर दीजिए। ज़ैनब खातून, शहजादे मेहमत सलीम ने ये आपके लिए भेजा है। तुम्हारा फर्ज याद दिलाने वाली थी मैं तुम्हें, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। देखते हैं वो क्या कह रहा है। तुम्हारा कुतुब खाने में मुंतजर है वो, और तुम्हें देखे बगैर सोना नहीं चाहता। अब जल्दी जाओ उसके पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और उसके बाद वो जो भी तुमसे कहेगा तुम मुझे बताओगी, समझ गई तुम? इज्जत, नामूस, रहम दिली, हमारे दुश्मन के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। बच्चों के हाथ में असलहा देकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे चाचा? हम उनसे कैसे लड़ेंगे? हम मोहल्ले को कैसे हासिल करेंगे? जब तक बच्चे वहां हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बच्चों के वालिदैन को तलाश करके उन्हें कायल करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ तादार?
क्या तुम्हें मालूम हुआ वो किसके बच्चे हैं? मालूम हो गया है जनाब, उनमें से किसी के वालिदैन नहीं है, वो सब यतीम बच्चे हैं। मैंने तवील उम्र गुजारी है, बेशतर दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन इतना सफाक आदमी नहीं देखा मैंने। हम अमानतदार को कत्ल किए बगैर इन बच्चों को वहां से नहीं निकाल सकते। उस मोहल्ले में उसे इतनी दिलचस्पी क्यों है? ऐसा क्या है उस मोहल्ले में जो मासूम बच्चों को आग में झोंक दिया उसने? वो आदमी मोहल्ला नहीं बल्कि सब कुछ लेना चाहता है, जुए खाने तक ले लिए उसने। जुए खाने हासिल करना समझ आता है भतीजे, वो पाया है तक के तमाम बुरे काम अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन वो उस मोहल्ले को क्यों हासिल करना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने मोहल्ले के बारे में तहकीक की, लेकिन मुझे कुछ खास मालूम नहीं हो सका जनाब। आसिफ अहमद, आप उस मोहल्ले का नक्शा लेकर आइए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मोहल्ला इतना अहम क्यों है। तो इस खबर से खुश तो होना तुम? यकीनन, हमारे जुए खाने की तमाम अखबारात में तशहीर की गई है, यूरोप के तमाम अमीर लोग यहाँ आया करेंगे, जहाँ पाए तख्त की आया सूफिया का जिक्र होगा, वहीं सुल्तान अहमद की मस्जिद के साथ मेरे जुए खाने का भी नाम लिया जाएगा। बेहतरीन। मोहल्ले की क्या सूरत हाल है? बच्चों को देखकर वो सब भाग गए हैं, अब मोहल्ला हमारा है। बच्चों को नुकसान ना पहुंचाने के लिए यकीन करें कि वो मोहल्ले के करीब भी नहीं आएंगे। मेरे दोस्त से दूरी एक असीयत है, उनसे दूर रहना नामुमकिन है मेरे लिए। मेरे रब तो मेरे दिल का हाल जानता है, जो जुदाई की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मेरे रब, मुझे मेरे मुल्क से जुदा ना कर, मेरे सुल्तान मौसम से मुझे दूर ना कर, इस पाए तख्त इस जमीन से दूर ना कर मुझे। ऐ मेरे अल्लाह, इस दरवाजे के खुलने से पहले ऐसे असबाब बना दे कि सुल्तान मौसम के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। इंशाअल्लाह सुल्तान मौज़म ने अपने दोस्त को याद किया है। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। सुल्तान मौज़म ने अपने दोस्त को याद किया है क्या? सुल्तान मौसम अपने दोस्त को कभी नहीं भूले, लेकिन तुमने जो किया वो दोस्त नहीं करते। तहसीन, तुम नौजवान तुर्कों के साथ तावुन कर रहे हो, हमने तुम्हारे इस्तीफे वाले खत का मवासना नौजवान तुर्कों को भेजे गए खतूत के साथ किया है,
उनमें वाज़े ममासलत पाई गई है और ये साबित हो चुका है कि मुजरिम तुम ही हो। तहसीन, गिरफ्तार करता हूं तुम्हें। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो फौरन। दोस्त का मारा हुआ पत्थर मिस्टर फूल आकर लगा है। मैं अल्लाह से अभी दुआ मांग रहा था, ऐसे असबाब बन जाएं कि महल में रह सकूं मैं। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, शुक्र है मेरे रब का। तहसीन, इंशाअल्लाह ये इल्जामात झूठे साबित होंगे, सुल्तान मौसम गमगीन नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हम ही गलत होंगे और तुम गद्दार साबित नहीं होगे, लेकिन इस सूरत हाल ने सुल्तान मौसम को दुख पहुंचाया है। नौजवान तुर्कों के साथ राबता ना हो तब भी ले जाओ इसे यहां से। सिपाहियों, ले जाओ। आ जाएं। सुल्ताने मौसम, आपने मुझे याद फरमाया। हमें बताइए इस्माइल हकी साहब, हम दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त उसे कहते हैं जिसे हम दिल से प्यार करते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए तो तमाम मुशरिकीन एक एक करके अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के दरवाजे पर जमा हो गए और उनसे कहने लगे कि हम आपके लिए एक आम खबर लाए हैं, क्या आपने सुना कि आपके दोस्त क्या कहते हैं? अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि उन्होंने नहीं सुना, मुशरिकीन ने बड़े जोश व खरोश से उन्हें बताया। आपके दोस्त ने कहा कि वो बैतुल मुकद्दस गए, वहां से आसमानों की तरफ सफर किया और फिर अल्लाह पाक के जमाल का दीदार किया। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने पूछा, क्या ये बात मेरे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है? मुशरिकीन ने कहा, हाँ, तो आप अब भी उन पर यकीन रखते हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने कहा, अगर ये बात वो कह रहे हैं तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। ये सुनकर मुशरिकीन सर झुकाए वहां से चले गए। अगर जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों अपने दोस्त से सच्ची मोहब्बत ना करते तो वो सिद्दीक ना होते सुल्तान मौसम। वो अपने दोस्त से दिल से मोहब्बत करते थे और यही वजह थी कि मुशरिकीन को वहां से शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। हम भी अपने दोस्त से दिल से मोहब्बत करते हैं। अब दोस्त के बारे में फैसला करने का वक्त आ गया है। हम या तो दिल से फैसला करेंगे या फिर दिमाग से। अल्लाह हमारे दिल में हकीकत को वाज़े कर दे। आमीन आमीन सुल्ताने मौसम। पाशा, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है विंबरी साहब? मैं महल में हूं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तहसीन पाशा, आपके हाथों में हथकड़ियां लगी हैं। कसम से आपको इस तरह देखा नहीं जा रहा मुझसे। वाह तहसीन पाशा, वाह! क्या आप पेरिस नहीं गए? आपने क्या किया? कुछ नहीं पाशा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो ये आपको गिरफ्तार नहीं करते, ठीक कहा ना? पाशा, माफी चाहता हूँ, आपका क्या कसूर है? क्या सुल्ताने मौसम को इसकी खबर है? अपनी हद में रहिए वैम्बेरी साहब।
सुल्ताने मौसम के हुक्म के बगैर हम सर भी नहीं उठाते हैं अपना। ये नौजवान तुर्कों के साथ रابطے में थे और इन्हें इसकी सजा मिलेगी। हकीकत आश्कार हो जाएगी जल्दी। उस वक्त तक कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप लोग मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? तुम मुजरिम हो तहसीन पाशा। अब तुम्हारा खाना मुकर्रर औकात में तुम्हारे कमरे में भेज दिया जाएगा। चलो। हाय गद्दार हाय। क्या नौजवान तुर्कों के साथ मिलकर काम करना गद्दारी नहीं है महमूद पाशा? गद्दारी है जनाब, गद्दारी है। ये तो बहुत चालाक निकले। वाकई? यानी इन्होंने दुश्मनों के साथ काम किया और किसी को खबर भी नहीं हुई। हाँ वाकई अजीब बात है। मैं भी कभी मुखालिफ रहा हूं, लेकिन कसम खाता हूं इस कदर चालाक तो हरगिज नहीं था। वैसे ये मेरी फितरत में भी नहीं है। मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं। मगर तहसीन पाशा ने तो मुझे हैरान कर दिया। वो जो पाशा है बहुत चालाक पाशा निकला। ओहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हर कोई ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। मुझे आपसे ज्यादा डर लगता है। इससे पहले कि बात मुझ पर असर अंदाज हो मैं निकलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। जो दुनिया को बेवकत जाने वो है मोहब्बत। जो दौलत और आसाइश को छोड़ दे वो है मोहब्बत। जो दुश्मन को शाकार पेश करे, जो बखुशी जहर भी निकल ले वो है मोहब्बत। जो परेशानी के वक्त में आगे बढ़कर थाम ले आपको वो है मोहब्बत। अशरफ ओलू रूमी, हमने सोचा आपको ये पसंद आएगी। ये वाकई बहुत अच्छी है शहजादे। सुल्तान मौज़म ने बिदार सुल्तान को ये नज़म सुनाकर और फूल पेश करके शादी की पेशकश की थी। उनके दिल अल्लाह की रजा के साथ करीब आए और वो तवील अरसे से एक साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह उनको हमेशा साथ रखे। आमीन। लेकिन हम सुल्तान मौज़म की तरह शायरी से यह बात नहीं समझा सकते और ना उनकी तरह बोलना आता है। हम इससे अच्छे इजहार के बारे में सोच भी नहीं सकते। मौजूद की हमारे अतराफ को बहुत खूबसूरत बना देती है। क्या आप हमारी सौचा बनना कबूल करेंगी? ये विनाश खातून, क्या हुआ आयसुन? इतनी उजलत में क्यों हो तुम? मैंने लड़कियों को बातें करते सुना है। आपके मामू के कमरे को साफ करते हुए एक मकतूब मिला है। मकतूब मिला है? कौन सा मकतूब? लिखा क्या है उसमें? मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने वो मकतूब बीदार सुल्तान को दे दिया है। कब दिया? कब दिया वो मकतूब, बोलो। एक लड़की ने बताया है कि उसने खाने के बाद वो मकतूब सुल्ताना को दे दिया था। मेरे कमरे में आने के बाद बीदार सुल्तान ने उसका कोई जिक्र नहीं किया।
शायद नहीं पढ़ा उसने। अब क्या करूंगी मैं? मामूजान, क्या लिखा था उस मकतूब में? आ जाएं। सुल्तान मौसम, आपके हुक्म पर अमल दरामद हो गया। तहसीन पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। न दिमाग, न जमीर और न ही हमारा दिल इस बात को कबूल कर रहा है। तहसीन पाशा गद्दार नहीं हो सकते। जब आप फैसला करें तो रियासत के लिए उनकी खिदमात को मत भूलिएगा। सुल्तान मौसम, कोई भी हमारी रियासत से बालातर नहीं है। यह बात किसी किताब में नहीं पढ़ी मैंने। मैंने ये उस्मानी खानदान से सीखा है। रियासत क्या होती है आपके अजदाद से सीखा है। लेकिन मैंने अपनी सल्तनत की नाफरमानी कभी नहीं की। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तहसीन पाशा को अपने दिमाग से नहीं दिल से दोस्त समझते हैं। हम हुक्म देते हैं उन्हें हमारे पास लाइए। उन्होंने हमारी दोस्ती में, हमारी रियासत में, हमारी इंतजामिया में आखिर क्या गलत देखा? हम बजाते खुद उनसे ये बात सुनना चाहते हैं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आपके लिए पानी पाशा। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या हुआ तहसीन? कुछ नहीं पाशा, बस मुझे पसंद नहीं आया। होश में आइए पाशा, ये आपकी जाती मिल्कियत में नहीं था, रियासत का था ये। सिपाही फौरन लिखो, तहसीन पाशा इस नुकसान की अदायगी रियासत को करेंगे। अब चलो, सुल्तान मौसम तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ना ही उनका सामना करने की ताकत है। तुम अपनी हद से तजावुज कर गए हो, रियासत का अदब और एहतराम भूल गए। लानत हो, सब कुछ ठीक जा रहा होता है उसके बाद हो जाता है कुछ ना कुछ। आपके मामू ने ये वालिदा के लिए लिखा था।
पढ़िए। सुल्ताना, मैंने आपसे कहा था कि मैं शिवनास के बारे में आपके सवालों का जवाब दूंगा। महल से निकलने से पहले उसने जो मक्तूब आपको लिखा था उसमें सारी वजाहत कर दी है। मैंने आपसे कहा था कि हम वापस आएंगे, लेकिन हम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं वापस आकर शिवनास को तकलीफ नहीं देना चाहता। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे माजरत चाहते हैं। वादा करता हूं आपसे कि वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। वो किस बारे में बात कर रहे थे? आपने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? मुझे नहीं मालूम। ये सब मामू ने क्यों लिखा मक्तूब में नहीं मालूम। क्या आपके बारे में हमारी वालिदा की शुबहात दुरुस्त है? आप क्या कहना चाहती हैं? हम वजाहत के मुंतजर हैं। आपके मामू की तहरीर के अल्फाज वालिदा की शुबहात को सही बता रहे हैं। मैं कभी भी किसी के लिए भी अच्छी थी ही नहीं। मैं हमेशा बिदार सुल्तान का एहतराम करती थी, उनकी कही हर बात मानी। उनकी ख्वाहिश थी कि आप शराकतदारी खत्म कर दें, और हमने वो खत्म कर दी, याद होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनको मुझ पर शुबात है। जानती है, मेरे मामू मेरे लिए सब कुछ थे। उन पर सबसे ज्यादा एतमाद था मुझे। उन्हें कुछ जहनी अमराज लाहक थे। वो अकेले नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके साथ चलूं मैं भी। इसीलिए मैं भी जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना यहां सब कुछ छोड़ने के बाद उनके साथ जाना कबूल किया। और अब मालूम हो रहा है कि बिदार सुल्तान को ये सब कुछ लिखा उन्होंने, और मैंने जान बचाई आपकी। और अब आप यहां आकर मुझसे ये सब कुछ पूछ रही है? मामू ने ये सब कुछ किस मकसद के तहत लिखा है मुझे नहीं मालूम, तो कैसे बताऊं मैं आपको? हमें ये खत पढ़ते ही बहुत ताज्जुब हुआ। हमें माफ कर दीजिए, आप रोइए मत। मुझे मैं अपने मामू के गम की बात और किसी भी तकलीफ का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगर बिदार सुल्तान ने यह मक्तूब पढ़ लिया तो फिर वो मुझ पर दोबारा एतमाद नहीं करेंगी। वालिदा ये खत नहीं पढ़ेंगी, परेशान मत हो। खात्मा ये खत हमारे पास लाई थी, उन्हें कमरे में से मिला था। हमारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता। मुझे इत्मीनान है कि ये खत आपको मिला नाई में। ये तकलीफ दे है, लेकिन क्या मैं इसे निशाने के तौर पर रख लूं अपने पास? नहीं, ये हम रखेंगे। अपने मामू से जुड़े बुरे हादसात को याद मत रखिए। वैसे भी ये वालिदा को लिखा गया है। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मेरा नुकसान नहीं करोगी नायमे, वरना मैं तुम्हें ऐसी परेशानी में मुब्तला करूंगी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। हम ये इजलास आजाद उस्मानी रियासत के उनवान से करेंगे। सब कुछ तैयार है। इस इजलास की बदौलत हम बिलाखिर मुत्तहिद हो जाएंगे और जिद्दोजहद का आगाज करेंगे। एहतियात बरतनी होगी जनाब कारो। अब्दुल हमीद के जासूसों को उन फैसलों का इल्म नहीं होना चाहिए जो हम इजलास में करेंगे। सही कह रहा है सबाहतीन, अब्दुल हमीद के जासूस हाजिर और तैयार हैं। हिंजक भी हिफाजत के लिए हाजिर और तैयार है, लेकिन वो कुछ चाहते हैं। क्या? एविलिस साहब हिंजक के लिए एक अहम शख्स हैं, जो हमारे मकसद के सबसे बड़े हामी हैं।
वो हमारे लिए जिंदान में काफी कुर्बानी दे रहे हैं और हिंजक चाहते हैं कि एविनेस साहब उनके साथ रहें। दर हकीकत हर उस चीज के बदले में जो आप उनसे चाहते हैं, वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, एविनेस साहब। एविनेस साहब को ऐसे जिंदान में कैद किया गया है जहां हिफाजती इकदाम इंतहाई सख्त है। हिंजक सिर्फ एक चीज चाहते हैं जो कि बहुत बड़ी चीज है, लिहाजा उसे वहां से निकालना काफी मुश्किल होगा। एविनेस साहब साथ ना हुए तो हिंजक भी हमारा साथ नहीं देंगे। हिंजक तंजीम हमारी मुसल्लह ताकत होगी, उनके बगैर ये जंग नामुमकिन है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और एविनेस साहब को जिंदान से बाहर निकालेंगे। कैसे? क्या हम में इतनी ताकत है कि एक शख्स को जिंदान से अगवा कर सके? हमारे पास इतनी ताकत है कि अब्दुल हमीद को तख्त से उतार दें। ज़ुहतु पाशा, जिंदान से किसी शख्स को अगवा करना बड़ी बात नहीं, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। आ जाइए। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा कहां है? उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों इनकार कर दिया? उनके मुताबिक उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूं। रुकिए, हम खुद जाएंगे पाशा। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा हद भूल चुके हैं अपनी। ना उन्हें रियासत की इज्जत का ख्याल है और ना ही आपकी हुर्मत का एहसास। हुक्म दीजिए, मैं तहसीन पाशा को घुटनों के बल आपके सामने पेश करता हूं। हम खुद जाएंगे पाशा, रियासत की हैसियत से नहीं, सुल्तान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से। आओ ज़ैनब, क्या हुआ बोलो, क्या कह रहे हैं महमद सलीम? कुछ तो कहो ज़ैनब, बताओ मुझे बुत क्यों बनी हो? मुझे शादी की पेशकश की है। इसी का तो इंतजार था हमें। आखिरकार हम अब्दुल हमीद के सबसे पसंदीदा शहजादे पर काबू पाने में कामयाब हो गए। हम कामयाब हो रहे हैं ज़ैनब, यह हमारी फतह है। उन्होंने कहा कि सोचूं मैं और जल्द से जल्द जवाब दूं उन्हें। नहीं, तुम कल ही जाओ उसके पास और कहो तुम्हें कबूल है ये रिश्ता। ऐसा नहीं कर सकती मैं, उनसे शादी नहीं कर सकती मैं। खलील खान से आओ, हद में रहो अपनी। जब तुम्हारी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी तब मैंने मदद की थी, तुम्हारे पास तो असबाब ही नहीं थे उसके लिए। तुम्हारी बहन मरने वाली थी, उसका मैंने इलाज किया था ज़ैनब, मैंने बचाया था उसे। और मैं इसकी कीमत सालों से अदा कर रही हूँ। मैंने आपके तमाम अहकाम पूरे किए हैं, ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी किया। ये सब कब खत्म होगा? आप हमें इस कैद से कब आजाद करेंगी? तुम इस महल की सुल्ताना बन जाओगी ज़ैनब, तुम और चाहती क्या हो? उससे शादी करना जिससे मोहब्बत की है। मैं महमद सलीम को खत लिखकर बताऊंगी कि खलील खालिद से मोहब्बत करती हूँ मैं। ज़ैनब, सबर मत आजमाओ मेरा। आप भी मुझे मत आजमाइए, मुझे और मेरी बहन को आजाद कर दीजिए। मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगी। खलील खालिद, जनाब मैं कुछ नहीं समझा, ये एक मोहल्ले के सिवा कुछ भी नहीं। ये मोहल्ला महल से करीब है, इसके पीछे कुछ नहीं है लेकिन
सामने समंदर से एक रास्ता बेशक ताज तक जाता है। ये रास्ता समुद्री सफर के बाद यल्दिस महल की तरफ जाता है, फिर ये मोहल्ला आता है। सिरेंजी में दूसरे मोहल्ले भी हैं जो महल के करीब है। यही मोहल्ला क्यों चाहिए उन्हें, नहीं मालूम। जनाब, सिर्फ दुश्मन ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो तातार, तुम ठीक कह रहे हो। अमानतदार के लोगों का पीछा करो, किसी एक को पकड़कर उसे तफ्तीश करेंगे और मोहल्ले की हैसियत जान जाएंगे। हम अफ्यून का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं रुबीना। जैसे तुम्हारी खूबसूरती मुझे उलझन में डाल देती है, मैं पाए तख्त के लोगों को अफ्यून के जरिए उलझन में डालना चाहता हूँ। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं जॉरिस, जो जानते हैं कि तारीफ कैसे करनी है। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अफ्यून का कारोबार मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है मुश्किल का सबब कौन बनेगा? खलील खालिद ने शहर के कोने कोने में अफ्यून बेचने वालों की लाशों को लटकाया था। फिर तो बहुत अच्छा है, समझो उसने हमारा काम कर दिया। हम वैसे ही उन्हें मारने वाले थे। हम लोग खलील खालिद को इसी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। उसमें हमारे खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। लेकिन हमें इस काम के लिए किसी की जरूरत होगी, क्योंकि इस वाकये के बाद से पाया तख्त में जो लोग अफ्यून लाते थे वो फरार हो चुके हैं। वाकई हमें अफ्यून लाने के लिए किसी की जरूरत है। तो फिर उसे तलाश करो, क्या कोई है? मेरी नजर में एक आदमी है, फिनोजु। लार्स, तुमने नाम सुन लिया, फौरन उस फिनोजु को तलाश करो। नाइमे भाई, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे, हम आपको फौरन बताना चाहते थे। हम जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने पुरजोश हैं। ज़ैनब के बारे में है। जी, हमने कर दिया, उन्हें शादी की पेशकश कर दी। अल्लाह का शुक्र है। चले शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हर चीज बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, हम नहीं चाहते किसी चीज में कमी रह जाए। रुकिए रुकिए, ज़ैनब ने भी हाँ नहीं की। क्या? हम नहीं चाहते कि वो जल्दी में फैसला करे, उन्हें सोचना चाहिए। हम दोबारा मायूस नहीं होना चाहते। आप मायूस नहीं होंगे, इसके बरक्स आप खुश होंगे। भाई, तो आप यहां हैं। हम आपको एक खबर बताने आपके कमरे में गए थे। क्या हुआ, कैसी खबर? तहसीन पाशा। क्या हुआ तहसीन पाशा को? वो पेरिस जा रहे थे, क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया गद्दारी के इल्जाम में। हम हर एक से ऐसी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन तहसीन पाशा, हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। अगर ये दुरुस्त हुआ तो बाबा को दुख होगा। तहसीन पाशा को तैयार कीजिए, गेदी को लिए जिंदान मुंतकिल कीजिए उन्हें। जो आपका हुक्म। आखिर तुम अपने अंजाम तक पहुंच ही गए ओजानियान। 20 टन अफ्यून वो चाहता है मैं तकसीम करूं, लेकिन दूसरों का अंजाम देखने के बाद मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। अगर हम हिंजक तंजीम के एवेनिस को अगवा नहीं कर सके तो हम तहसीन पाशा को अगवा कर लेंगे, और फिर वो उस आदमी को अगवा करने में मदद करेंगे हमारी। सुल्तान की बेटी नाइमे सुल्तान, वो इन दिनों मेरे लिए रुकावट बनी हुई है। उसके खिलाफ तुम्हें एक खबर शाया करनी है। कैसी खबर? तफसीलात इसमें है। तुम तहसीन पाशा को अगवा करने में हमारी मदद करोगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है शहजादे।